बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास चौहारम इस्लामियत की बुक ओपन करें। लेक्चर नंबर 8, पेज नंबर आज हम 18 से स्टार्ट करेंगे। सबक नंबर 4 हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर लिया था, इसको हम आगे जो हमारा रह गया है उसे कंप्लीट करेंगे। सबक का नाम है बंदों के हकूक। एक्सरसाइज इसकी पढ़ेंगे। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। हकूकुल इबाद से मुराद किसके हकूक हैं? अल्लाह के, बंदों के, इस्लाम के, माँ बाप के, बंदों के। मुनासिब तालीम व तरबियत किसका हक है? वालिदैन का, असातिज़ा का, औलाद का, रिश्तेदारों का, औलाद का। अल्लाह ताला के हक के बाद किसके हक की अदायगी का हुक्म दिया गया है? औलाद का, वालिदैन का, पड़ोसियों का या मिलने जुलने वालों का? वालिदैन के। छोटों का क्या हक है? इनका एहतराम किया जाए, इनकी याद, इनकी बात मानी जाए, इन पर शफकत की जाए, इनसे प्यार किया जाए, इन पर शफकत की जाए। खाली जगह पुर करें। बड़ों का हक ये है कि छोटे इनका डैश करें। एहतराम। जब कोई बीमार हो तो दूसरा मुसलमान इसकी डैश करे। अयादत। अयादत का मतलब है किसी बीमार मुसलमान से जाकर मिलना, किसी बीमार शख्स से जाकर मिलना और उससे उसका हाल चाल जो हम पूछते हैं वो अयादत कहलाती है। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर डैश हकूक हैं 6। बंदों के हकूक में से सबसे ज़्यादा हकूक डैश के हैं, वालिदैन के। कॉलम अलिफ और कॉलम बे मिलाएंगे। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हकूक हैं। ज़रूरतमंद रिश्तेदार को सदका देने से दुगना सवाब मिलता है। जब कोई बीमार हो तो दूसरा मुसलमान इसकी इयादत करे। दोस्तों का ये हक है कि इनके साथ इखलास से पेश आया जाए। इखलास का मतलब होता है अच्छे तरीके से पेश आना किसी के साथ। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे।